हेलो फ्रेंड्स, ये है इस ड्रामे का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नान सिंह सुसाइड करना चाहती है। सोचती है कि अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। ये सोचकर वो कूदने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी रुक जाती है और खुद से कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चली जाऊं और पैसे भी खर्च ना हो। उन्हें खर्च किए बिना मैं यहां से नहीं जा सकती। मेरे अकाउंट में अभी 9.9 युआन बाकी हैं। इतने में तो मैं एक कॉफ़ी भी खरीद सकती हूं। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वहां ऑफिस का एक एम्प्लॉय किसी अननोन पर्सन के साथ छुपके से मिल रहा होता है और उसे कहता है कि ये 20 मिलियन का प्रोजेक्ट है, तुम मुझे सिर्फ 2 लाख में चुप करवाना चाहते हो। ये सुन नांग सिंह कहती है कि ट्रेड सीक्रेट। फिर छुपके से उनकी बातें सुनने लगती है और वीडियो बनाने लगती है। वांग उस बंदे से कहता है कि 50 लाख, मैं तुम्हें प्रोजेक्ट की सीक्रेट फाइल दे रहा हूँ, तो डील डन। नांग सिंह ये सारी बातें रिकॉर्ड करके जाओजिंग के पास जाती है। वीडियो देख जाओजिंग असिस्टेंट से कहता है कि इमीडिएटली वांग को पकड़ लो और लीगल प्रोसेस शुरू कर दो। फिर नान सिंह से कहता है कि इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी की तरफ से मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। तभी सिस्टम बोल पड़ता है कि 5 पॉइंट्स ऐड किए जाएं। ये सुन नान सिंह खुश होती है। जाओजिंग कहता है कि बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। नान सिंह कहती है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ। ये सुन जाओजिंग असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि फाइनेंस से कहो कि नान सिंह के अकाउंट में 1 लाख बोनस ट्रांसफर कर दे। ये सुन नान सिंह खुश होकर कहती है कि बॉस तुसी ग्रेट हो। तभी उसके पेट से आवाज आती है। जाओजिंग समझ जाता है कि इसे भूख लगी है, कहता है कि चलो मैं तुम्हें लंच पे ले चलता हूँ। नान सिंह कहती है कि अब बॉस आपने बोल दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ, वैसे कहाँ ले चलोगे आप। जाओजिंग कहता है कि पास ही एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना अच्छा है, टेस्ट करके देखो। नान सिंह कहती है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो चाइना की रियल सिटीजन हूँ, ऐसी महंगी चीज़ें मुझसे हजम नहीं होती। अगर तुम मुझे डिनर पर ले जा रहे हो तो कहाँ जाना है, क्या खाना है, वो भी मुझे डिसाइड करने दो। जाओजिंग मान गया। नान सिंह उसे अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ले आती है और कहती है कि बॉस ये हॉटपॉट रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, चलो आप ऑर्डर दें। जाओजिंग कहता है कि मेन्यू में जितने भी डिशेस हैं सब एक एक ऑर्डर करो, इतना काफ़ी है। नान सिंह कहती है कि नहीं नहीं, ये तो अमीर लोगों का काम है, छोड़ो मुझे खुद करने दो। नान सिंह मील ऑर्डर करती है, बड़े ही मज़े से खा रही होती है, लेकिन जाओजिंग तो कहीं और ही खोया होता है। नान सिंह पूछती है कि बॉस किन ख्यालों में खोए हुए हो, चलो ये खाओ काफ़ी मज़ेदार है, बस इसे सॉस में डुबाओ और जल्दी खाओ। वो उसे मीट का एक पीस सर्व करती है। जाओजिंग जैसे ही वो खाता है तो उसके गले में अटक जाता है। ये देख नान सिंह सोचती है कि अरे नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो मेरे पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। वो फौरन से उसके पास जाती है और उसके पीठ पर जोर जोर से मारना शुरू करती है ताकि वो ठीक हो जाए। तभी जाओजिंग कहता है कि बस बस दूर रहो, मार मार कर मेरा चेहरा ही पॉट में डुबा दोगी। नान सिंह सोचती है कि अगर मैं परवाह नहीं करूंगी तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। तभी सिस्टम हाजिर होता है। नान सिंह का 1 पॉइंट प्लस हो गया। ये सुन नान सिंह सोचती है कि ओ गॉड, कहीं ये लड़का तकलीफ सहने का आदि तो नहीं। ऐसा ही है, वरना उसे हर्ट करने पर पॉइंट्स माइनस होते प्लस नहीं। फिर वो उसे मिल्क शेक ऑफर करके कहती है कि बॉस आप एक घूंट ड्रिंक पी लो। जाओजिंग कहता है कि ऐसी चीजें तो बच्चे पीते हैं, मैं बच्चा नहीं जो ये पीऊं। पर नान सिंह उसकी कहां मानने वाली, वो जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स प्लस होते हैं। नान सिंह सोचती है तो क्या ये वही एरोगेंट बिजनेसमैन है जो बस जाहिर तो खड़ूस और गुस्सेल लगता है लेकिन अंदर से काफी नरम है। नेक्स्ट डे नान सिंह ऑफिस में काम कर रही होती है तभी अचानक से लाइट्स ऑफ होती है और वो कुर्सी से गिर पड़ती है। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि किसने मेरे बट को टच किया। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो नान सिंह का हाथ एक एम्प्लॉय के बट पर होता है। नान सिंह फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेती है और सोचती है कि ये क्या आवाज़ थी। फिर वो जानबूझकर एम्प्लॉय को टच करती है तो वो उसकी मन की बात सुनने लगती है, मतलब कि ये जिसे भी टच करेगी उसकी मन की बातें सुनने लगेगी। नान सिंह शॉक्ड हो जाती है। तभी सिस्टम कहता है कि मुबारक हो, तुमने अपने टास्क के 50% पॉइंट्स पूरे कर लिए, सुपर एबिलिटी रीड ट्रूथ फ्यूचर अनलॉक कर दिया गया है।
ये सुन नानशिंग इस बात को कंफर्म करने के लिए वो दूसरे एम्प्लॉय को टच करती है, तो वो लड़की सोच रही होती है कि ये घटिया कंपनी जल्द ही बंद हो जाए तो बेहतर है। नानशिंग को कंफर्म हो गया कि वो किसी को भी टच करके उनकी मन की बातें सुन सकती है। वो सोचती है कि ओ गॉड, मेरे पास तो सच में सुपर पावर्स हैं। एम्प्लॉय कहती है कि क्या तुम पागल हो, हटाओ अपना हाथ। नानशिंग हाथ हटा देती है। नेक्स्ट सीन में ज़ाओ जिंग नानशिंग से कहता है कि सेक्रेटरी से कहो कि शेड्यूल में से 1 आवर फ्री करे, मुझे मिस्टर ली से मिलने जाना है। पर नानशिंग का ध्यान तो उस पर नहीं होता, वो तो बस ज़ाओ जिंग को टच करना चाहती है ताकि उसके मन की बातें सुन सके। वो सोचती है कि बस एक बार टच कर लो, बॉस को अपने काबू में कर लो, अगर मैंने ये कर दिया तो प्रमोशन और डबल सैलरी पक्की है। लेकिन अफसोस वो टच नहीं कर पाती। ज़ाओ जिंग देख लेता है और पूछता है कि नानशिंग ये तुम क्या करी हो। नानशिंग मच्छर मारने का नाटक करती है और कहती है कि बॉस यहाँ बहुत से मच्छर हैं, बस उन्हें भगा रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मच्छर को मच्छर काटे, मैं जाकर मोप ले आती हूँ, फ्लोर साफ कर देती हूँ। ये बोलकर वो भाग जाती है। ज़ाओ जिंग सोचता है कि मच्छर और मेरे ऑफिस में। नेक्स्ट सीन में दो एम्प्लॉयज आपस में बातें कर रहे होते हैं। नानशिंग वहाँ आती है तो शुशु उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि नानशिंग आज तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। शाओमी कहती है कि हाँ खूबसूरत भी और हर काम भी जल्दी कर लेती हो, ताजुब नहीं कि तुम बॉस की पर्सनल क्लीनर बन गई हो। नानशिंग कहती है कि तुम तो मुझे शर्मिंदा करी हो। उनका तारीफ करना नानशिंग से हजम नहीं होता। वो शुशु से कहती है कि तुम्हारे ड्रेस में कुछ लगा है। ये बहाना बनाकर वो उसे टच करती है तो उसे सुनाई देता है कि शक्ल चूसी जैसी और कपड़े देखो जैसे कोई महारानी हो। फिर शाओमी से कहती है कि आज तुम्हारी ड्रेस का फैब्रिक तो काफी अच्छा है। ये बोलकर वो उसे टच करती है तो वो भी मन में उसकी बुराई करते हुए कहती है कि ये अच्छे से जानती है कि कैसे डर्टी ट्रिक्स यूज करके बॉस का अटेंशन पाना है। दोनों की मन की बातें सुन नानशिंग कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुमसे किसी ने ये नहीं कहा ना कि तुम फ्लावर हो, सिर्फ ब्यूटीफुल लोगों को ही फ्लावर कहा जाता है, कुछ लोग तो डर्टी पॉट की तरह होते हैं, सही कहा ना। ये बातें सुनाकर नानशिंग तो जाने लगी। मिस्टर ली के साथ काफी ड्रिंक करने के बाद ज़ाओ जिंग टल्ली हो गया। नानशिंग उसे उठाकर बेड पर पटक देती है और सोचती है कि कैसा अजीब बॉस है जो ज्यादा पीने के बाद क्लीनर को घर ले जाने को बोलता है, इसके लिए तो और पैसे देना पड़ेंगे। फिर ज़ाओ जिंग को देख कहती है कि हाय मैं मर गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोते समय ये आइस कोल्ड फेस इतना प्यारा होगा। वो प्यार से उसके चीज को पकड़ती है। तभी ज़ाओ जिंग जाग जाता है, वो नानशिंग को अपने क्लोज करता है। नानशिंग दूर हट के सोचती है कि खुद के करीब करने के बाद ऐसे सो जाने का क्या मतलब हुआ। फिर उसकी करवट बदलती है ताकि उसे टच करके उसकी मन की बातें सुन सके। वो उसे टच करती है तो ज़ाओ जिंग मन में प्यार से उसका नाम पुकार रहा होता है। नानशिंग उसे फिर से टच करती है तो इस बार भी वो सिर्फ उसका नाम लेता है। तो नानशिंग कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ, क्या सुपर पावर्स भी गलत हो सकती हैं? नेक्स्ट डे दोनों लंच पर आते हैं। नानशिंग कपल पैकेज ऑर्डर करती है। ये सुन ज़ाओ जिंग उसे घूर कर देख रहा होता है, वो उसका बॉस है कोई बॉयफ्रेंड नहीं। तो नानशिंग कहती है कि मिस्टर ज़ाओ तुम गलत मत समझो, मैं तो इस जगह का खास केक खाना चाहती हूँ, कपल सेट में 2 ड्रिंक्स भी फ्री हैं और ये बहुत सस्ता भी है, आखिरकार हम हार्ड वर्किंग लोग हैं, बचत का मौका मिले तो क्यों ना करें। ज़ाओ जिंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है, सेविंग इज अ वर्चू। वेट्रेस केक ले आती है, दोनों को कपल समझ कर कहती है कि आप दोनों का प्यार इस मिठास की तरह सलामत रहे। ज़ाओ जिंग उसे थैंक्स कहता है तो नानशिंग शर्मा कर पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ। ज़ाओ जिंग कहता है कि वो तो बस एक अजनबी है, फिर उसे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ये सुन नानशिंग मुंह बनाकर सोचती है कि क्या सचमुच उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं, तो क्या वो कल मुझे बेवकूफ बना रहा था। फिर ज़ाओ जिंग से कहती है कि मास्टर ज़ाओ क्या तुम बाद में मेरे साथ नेल आर्ट करने चलोगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे कौन सा कलर कराना चाहिए। ज़ाओ जिंग कहता है कि वहाँ जाने की क्या जरूरत है, ऑनलाइन भी सब हो जाता है। नानशिंग कहती है कि सही कहा, वैसे तुम जैसे अमीर लोग कभी भी हमारी सेविंग की खुशी नहीं समझ सकते। ज़ाओ जिंग कहता है क्या तुम मेरा फायदा उठाना चाहती हो। तभी नानशिंग खांसने लगती है, ज़ाओ जिंग उसकी केयर करने लगता है। ये देख एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सुनाने लगती है, वो देखो अपनी गर्लफ्रेंड की कैसे केयर कर रहा है, और एक तुम हो हर वक्त मोबाइल में पड़े रहते हो।
ये सुन नानसिंह शर्माते हुए कहती है कि आज बहुत से लोग हमारे रिश्ते को गलत समझ रहे हैं। जाओजिंग कहता है कि अगर लोग समझ रहे हैं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो उन्हें समझने दो, तुम क्यों इतना खुश हो रही हो। ये सुन नानसिंह उठकर जाने लगती है तो जाओजिंग उसे रोक कर पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। नानसिंह कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। जाओजिंग शॉक्ड होकर कहता है कि कौन सी रात और क्या हुआ था। नानसिंह कहती है अब जब तुम्हें याद नहीं तो जाने दो। जाओजिंग कहता है कि जैसा तुमने कहा मैंने वैसा किया, कॉफी भी पिलाई, केक भी खिलाया, अब तुम्हें किस बात की नाराजगी है। नानसिंह कहती है तो आज तुमने जो कुछ भी किया उसका क्या मतलब हुआ। नानसिंह तो कुछ नहीं समझ पा रही तो इस पर जाओजिंग उसे बेवकूफ कहता है। नानसिंह कहती है अभी भी मुझे डांट रहा है, अब तो मुझे ये करना ही होगा, तुमने मुझे ये करने पर मजबूर किया। ये सोचकर वो उसे टच करती है तो उसे सुनाई देता है कि बेवकूफ मुझे तुम पसंद हो। ये सुन नानसिंह खुशी से ब्लश करने लग गई, ये तो शर्मा कर भाग गई। जाओजिंग कहता है अरे फिर से भाग गई, अब मैंने क्या कर दिया। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।